स्वाद पड़ी। और आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि आज के टाइम में, मतलब कोरोना टाइम में, हमें कौन सी दवाइयाँ चाहिए होती हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन आते हैं चमनप्रश में। चमनप्रश में सबसे पहले मेरे पास है ये पतंजलि का चमनप्रश। इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप खा सकते हैं। इससे आपकी हेल्थ बड़ी होगी। और अगर आपको ये भी पसंद नहीं आता है तो मेरे पास एक और है, डाबर चमनप्रश। ये ऐसा दिखता है, ये लोग आप देख सकते हैं। अब आते हैं अपन दवाइयों पर। ये है जिंकोविड। जिंकोविड एक ऐसी दवाई है, वो मल्टीविटामिन है। जैसे आज के टाइम पे ना अपन को मल्टीविटामिन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोगों के बॉडी में जो है मल्टीविटामिन बहुत कम हो सकता है। तो आप इसको रात में गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। और एक और है पतंजलि की कोरोनील। कोरोनील एक ऐसी दवाई है जिससे आपकी इम्यूनिटी, और मल्टीविटामिन तो इससे ही बढ़ेगा, आपकी इम्यूनिटी इससे बढ़ सकती है। पर आपको योगा रोज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आप सोचेंगे कि ये कोरोनील हमने दे दी है तो आप सब कोरोनील खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपको एक्सरसाइज भी करनी है। और जैसे ही आप घर में आते हैं या फिर आप जैसे ऑफिस से आ रहे हैं, ठीक है, आप अपना बैग बाहर रख दीजिए या फिर पूरा सैनिटाइज करके कई सेफ जगह पे रख दीजिए। जैसे सीढ़ी के नीचे कुछ थोड़ी थोड़ी जगह होती हैं घरों में, तो आप वहाँ रख दीजिए सैनिटाइज करके। सबसे पहले आप कुछ मत छूइए, अपना मोबाइल डाइनिंग टेबल पे पूरा सैनिटाइज करके और अपना पर्स भी सैनिटाइज करके रख दीजिए। फिर उसके बाद आप सीधे गर्म पानी से नहाने जाइए। फिर उसके बाद आप एक बार हाथ भी धोइए, ठीक है। और अगर आप कोई सामान लाते हैं तो मैं बता देता हूँ, अगर आप कोई सामान लाते हैं तो सबसे पहले आप सामान आप छूइए मत उस सामान को, ऊपर से ऐसे पकड़िए। अगर थैली दी है आप पीछे ले जाइए आंगन में आपके, और उसको निकाल के और वो जो पन्निया वो फेंक दीजिए, ठीक है, कहीं पे भी फेंक दीजिए। मतलब ऐसे नहीं कि रोड पे फेंक दिया, सड़क पे फेंक दिया, मतलब पैक करके रख दीजिए उसे, कहीं साइड में रख दीजिए, ठीक है, और उसे सैनिटाइज कर लीजिए अगर आपको यूज़ करना है तो पन्नी, ठीक है। अब वो जो मेन सामान रहता है उसको आप साइड में रख दीजिए और पूरा सैनिटाइज कर लीजिए, ठीक है। फिर आप सुबह लाए, फिर शाम को भी एक बार सैनिटाइज कर लीजिए, ताकि जो लास्ट उसके जम्स होते हैं वो उसमें से हट जाए, ठीक है। फिर उसके बाद अपन आते हैं मेन टॉपिक में, कि ये जो आप दवाई सोच रहे हैं, ये दोनों जिंकोविड और कोरोनील, तो इन दोनों को आप एक साथ मत खाइए। क्योंकि एक साथ अगर आप खाएंगे तो वो लोग, मतलब क्या होता है कि आप आपकी जो बॉडी है ना उसमें दोनों के दोनों एक साथ वो नहीं कर पाएंगे, एनर्जी नहीं दे पाएंगे, तो उसके कारण आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कम भी हो सकती है। तो प्लीज़ आप अलग अलग करके खाइए। और गर्म पानी दिन में 5 से 10 बार पीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।